हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन आर्क जीआईएस। सो फ्रेंड, इस जो वीडियो है इसमें हम जियो प्रोसेसिंग का जो यूनियन टूल है उसके बारे में सीखेंगे कि यूनियन टूल बेसिकली क्या है और उसका क्या यूज़ होता है। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने तीन टूल सीखे थे जियो प्रोसेसिंग के ही, जो कि बफर, क्लिप और इंटरसेक्ट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए रियली सॉरी। तो अभी आगे से किसी वीडियो में ऑडियो का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो गया था। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट जो तीन टूल्स है वो एक एक वीडियो में हो, तो एक छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि जिसको यूनियन ही सिर्फ जानना है वो यूनियन सीख सके। तो इसलिए मैं इसको अलग अलग जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आज यूनियन पे वीडियो बनाता हूँ। तो बेसिकली यूनियन आपको, जैसे आप फोटो में देख रहे हो यहाँ पे, कि एक जो ज्योमेट्री होती है वो उसको कंबाइन कर देता है। जैसे आप इनपुट जो इलस्ट्रेशन है उसमें देख पा रहे हो कि एक इनपुट है जिसमें, और दूसरा इसका क्या मेन यूनियन जो है वो सिर्फ पॉलीगन पे ही अप्लाई होता है। पॉलीगन ज्योमेट्री ही होनी चाहिए यूनियन के लिए, आप इसको पॉइंट या लाइन पे यूज नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी डीमेरिट यही है कि इसको आप पॉइंट और लाइन पे यूज नहीं कर सकते हो, पॉलीलाइन पे यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप पॉलीगन पे ही यूज कर सकते हो। तो आप इसमें देख सकते हो इलस्ट्रेशन में, तो इसमें इनपुट में आप देख रहे हो कि एक जो लेयर है उसमें आपके दो रेक्टेंगल है और दूसरा आपका एक सर्कल है। तो इन जो दोनों, अगर आपके, अगर ये कहे कि ये दोनों अलग अलग शेप फाइल है, तो उनको अगर यूनियन किया जाए तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसमें जो था वो आपका दो रेक्टेंगल था और एक सर्कल था, यानी कि आपके जो टोटल तीन बाउंड्री थी इसमें। और जो आउटपुट इसमें होता है, तो इसमें जितने भी ओवरलैप हो रहा है उसको एक अलग से बाउंड्री उसमें जनरेट कर देता है, अगर यूनियन आप अप्लाई करते हो टूल को। तो आप इसमें देख रहे हो कि आउटपुट में आपका एक तो ये वाला पोर्शन अलग आया है और एक ये रेक्टेंगल का पोर्शन अलग आया है, और एक जो ये क्वाड्रेंट आप कह सकते हो 1/4 का सर्किल का, तो वो अलग इसका बाउंड्री होगा और इसका अलग होगा, और ये जो बाहर का है आधा सर्किल इसका अलग से बाउंड्री होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे सिर्फ तीन एंटिटी थी और यहाँ पे ये पांच हो गए एंटिटी। और दूसरा क्या करता है इसका, जैसे ये कॉमन पार्ट है जो ट्रिंगल का, क्वाड्रेंट जिसको 1/4 मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या करेगा, इसमें अगर जो नीचे की एट्रीब्यूट है वो भी इसमें इसको इंक्लूड कर देगा, लेकिन जो पार्ट दोनों में ओवरलैप नहीं हो रहा है, जैसे नीचे वाला हाफ सर्किल है, तो उस केस में क्या होगा, उसको जो ये FID देगा वो -1 देगा। तो वही यही बोल रहा है कि द रिजल्टिंग पॉलीगन्स द FID एट्रीब्यूट फॉर दिस गैप फीचर्स विल बी -1। तो ये गैप है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एट्रीब्यूट -1 होगा। तो इसी के लिए मैं आपको जीएस में ले चलता हूँ और आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये जो मेरे आपको जो सेफ फाइल दिख रही है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है आप देख रहे हो कि इसमें चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ये है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट ये है, और आपका ये चौथा डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट ये था, और दूसरा मेरे पास इसमें है जो केनाल का कमांड एरिया है, ये केनाल का कमांड एरिया है, तो इसके भी अलग से पॉलीगन है। तो आप देख सकते हैं इसमें पॉलीगन भी है और इसके बीच में कुछ गैप्स भी हैं। तो मैं जूम टू लेयर कर लेता हूं, तो इसमें कुछ गैप भी है बीच में आप देख रहे हो। तो अभी इसकी मैं एट्रीब्यूट आपको दिखा देता हूं, इसकी एट्रीब्यूट में जो टोटल जो FID टोटल जो एंट्रीज है वो है 30 सिलेक्टेड। आप देख रहे हो इसमें 30 है आउट ऑफ 0 सिलेक्टेड आउट ऑफ 30। तो इसमें टोटल जो जितने पॉलीगन है वो 30 पॉलीगन्स है, और इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, तो आप आपको पता चल रहा है कि सिर्फ चार डिस्ट्रिक्ट है, तो चार ये टोटल आपका 34 हो गया। लेकिन अब मैं इसको यूनियन करूंगा, तो आप देखिए कि जैसे ये पीछे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री आप देख पा रहे हो, और उसके अंदर ये जो मेरा किसी भी मतलब एक कैनाल सिस्टम है जिसका कमांड एरिया है। तो अगर कोई कैनाल ऐसे रन कर रही है तो उसकी जो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच कैनाल्स होगी, तो वो कितने एरिया को कमांड करेगी, तो वो एरिया ये पॉलीगन दिखा रहा है। तो इसी को मैं दोनों को यूनियन करना चाह रहा हूँ। तो यूनियन के लिए मैं आपको सिंपली यही करना है, जियो प्रोसेसिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूनियन पे डबल क्लिक करना है। तो आप इसमें देख रहे हो कि आपको जो इनपुट फीचर है इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सी फीचर आप यूनियन करवाना चाह रहे हो। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री और दूसरा मेरे को करना है कैनाल कमांड एरिया। तो मैं इनको दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इनपुट फीचर, और मैं अब इसको ओके कर देता हूँ।
तो आप देख रहे हो कि यूनियन कट जो टूल है वो अंट प्रोसेस है। तो जो यूनियन का टूल है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, और अब आप देख रहे हो मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ केनाल की और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दोनों की, और अब आप देख रहे हो ये यूनियन होके एक फाइल हो गई, यानी कि जो दो अलग अलग सेव फाइल थी उसको कंबाइन कर लिया। उसके अलावा इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, जो ओवरलैप नहीं कर रहा था तो उसके लिए उसकी अलग से, तो इसमें जितनी भी बाउंड्री थी उसका अलग से कोई भी ओवरलैपिंग बाउंड्री नहीं है, इसमें सब बाउंड्री जो है यूनिक है। तो जहां भी ओवरलैप हो रहा था तो ओवरलैप का जो जितना पार्ट है उसका अलग से एक पॉलीगन इसमें क्रिएट हो गया। तो टोटल अपने पास पॉलीगन थे 34, फोर तो थे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के और जो 30 थे वो कैनाल कमांड एरिया के थे, और अभी आप इसमें अगर एट्रीब्यूट देखते हो तो इसमें आपके पास 41 आ रहे हैं, यानी कि 7 जो है वो ओवरलैपिंग एरिया थे या फिर ऐसे एरिया थे जो ओवरलैप नहीं हो रहे थे। तो इसमें सिर्फ आप जैसे देख रहे हो तो FID डिस्ट्रीब्यूट आप देख रहे हो कि जो कैनाल्स के नाम थे इसमें, और इसमें अभी कैनाल्स के नाम के पीछे इसका डिस्ट्रिक्ट का भी वो एट्रीब्यूट ऐड हो गया है। तो आप देख रहे हो कि इसमें कंट्री भी ऐड हो गया, कैनाल में आप देख रहे थे कि कोई इसमें कंट्री वगैरह कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ कैनाल का नाम था और टेक्स्ट साइज थी और पॉलीगन, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अभी आप इसमें एट्रीब्यूट देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि कैनाल का यहाँ पे नाम नीचे ऐड हो गया, यहाँ आप देख रहे हो कि जो ये एट्रीब्यूट पहले वाली जो सेफ फाइल है उसकी आ रही है, उसका एरिया पेरीमीटर और डिस्ट्रिक्ट जो नंबर है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पारा बड़ा और कौन सी कंट्री है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि कैनाल है और उसकी कमांड एरिया की FID आ गई, फिर टेक्स्ट साइज आया। तो सिर्फ ये तीन ही कॉलम जो है वो वहां से आए हैं, बाकी के कॉलम नीचे वाली सेफ फाइल के हैं। और अब आप इसमें देख रहे हो कि एक जो एंट्री है ये -1 है, ये -1 इसलिए क्योंकि इसके नीचे कोई भी एरिया नहीं, कोई भी पेरीमीटर नहीं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक आउट ऑफ बाउंड्री ये हो रहा है, इसलिए सिर्फ कैनाल इसका 0 आ रहा है और कैनाल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो इसमें आ रही है। इसमें आप इसको जूम करके देख सकते हो कि ये बाउंड्री के बाहर आ रहा है। अब मैं आपको इसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इसके ऊपर डाल के देखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे इसके बाहर आ रहा है। ये देखिए आप इसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। तो ये जो एरिया है ये इसके आउट में आ रहा था, देख रहे हो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। मैं इसका आपको कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री थी और ये जो एरिया था, ये जो कमांड एरिया है कुछ बाहर का था, इसलिए इसको -1 FID दिया है। तो आप अब समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज है। तो आपको अगर कुछ कंबाइन यूनियन करना है और आपको उसका अलग से, आपको जैसे इसमें कुछ पोर्शन ऐसा भी था जो दो केनाल का कमांड एरिया जो था वो ओवरलैप हो रहा था, तो आप यहाँ से केनाल के नंबर से भी देख सकते हो कि यह केनाल 00, तो एक तो केनाल 0 वो है जो कमांड एरिया डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, और ये 0 वो है जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री यानी कि बाउंड्री के ही बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो इसलिए दो अलग अलग इसको बाइफर्केट कर दिया, दो टुकड़ों यानी दो अलग अलग पॉलीगन बन गए। इस तरह से आप आगे कैनाल भी देखोगे कि कैनाल अगर कैनाल का कमांड एरिया दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री उसको अगर डिवाइड कर रही है तो उसका अलग अलग दो पॉलीगन बन जाएगा। तो ये आपको तब यूज आएगा जब आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दोनों का अलग अलग एरिया चाहिए, तो आप उसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से इसको यूनियन कर सकते हो, या फिर उसके अलावा दो कैनाल का जो कमांड एरिया ओवरलैप हो रहा था तो वो कमांड एरिया भी आपका इसमें जो है अलग अलग हो गया है, यानी कि आपका उसमें भी शो करेगा और इसमें दोनों कैनाल में शो करेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के दिखा देता हूँ आपको। आप किसी एक कैनाल का कमांड एरिया ले लीजिए जो ओवरलैप हो रही है, मैं इसको शॉर्टिंग कर लेता हूँ। अब आप देखिए कि ये जो कैनाल 11 है इसमें ये 591.56 इसकी सेफ लेंथ है, और यही सेम आप नीचे देखोगे कैनाल नंबर 12 तो इसमें भी 59.5697। तो ये जो दोनों एरिया थे ओवरलैप थे, यानी कि ये कमांड 11 जो कैनाल थी उसका भी कमांड एरिया था और जो कैनाल नंबर 12 थी उसका भी कमांड एरिया था। तो इस तरह से उसको इसने दोनों को अलग कर दिया, दोनों को अलग से। तो इसमें आपको अगर टोटल एरिया निकालना है कभी, तो आप अगर कमांड एरिया टोटल निकालोगे तो कुछ बार तो ओवरलैप हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका एरिया जो
है वो ज्यादा आएगा, जबकि आपके डिस्ट्रिक्ट या आप कॉमन एरिया से वैसे बाउंड्री से निकालोगे तो आपका एरिया कम आएगा। तो आप बोलोगे यार ये एरिया का डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो कभी कभी क्या होती है कि आपकी बाउंड्री दोनों परफेक्ट नहीं होती है, दोनों मैच नहीं कॉन्साइड नहीं करती है, आपकी ओवरलैप हो जाती है, बीच में गैप रह जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आप यूनियन लगा के देख सकते हो कि कहाँ पे तो ओवरलैप हो रहा है और कहाँ पे बीच में गैप रह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम जो नेक्स्ट टूल है जियो प्रोसेसिंग का वो सीखेंगे कि मर्ज किस तरह से काम करता है और क्या करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिजोल का जो टूल है वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और इसके अलावा आप अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पुराने जो वीडियो है इससे रिलेटेड वो भी आप देख सकते हो अगर आपको वो टूल सीखने हैं। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।